सत श्री अकाल जी, मैं शिवानी शर्मा वेस्टर्न ओवरसीज तो अज फिर आज रही एक नवी वीजा स्टोरी के नाल। अज साडे नाल है कमलप्रीत कौर जी, ऑस्ट्रेलिया का वीजा आया है। सो कमल, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस फॉर योर वीजा। थैंक यू, थैंक यू। कमल, वीजा लाइफ किवें ना फील हो रहा? मैं बहुत अच्छा फील हो रहा है। लाइक मैनू आस नहीं सी कि जो मेरा ड्रीम कंट्री है मैं उत्थे जा रही हूं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न ओवरसीज। कमल, तुसी अपनी थोड़ी जी प्रोफाइल दसो और कितों बिलोंग करदे हो, साडे सारे व्यूअर्स नूं दसो। ओके जी, मैं डॉक्टर कमलप्रीत कौर, मैं फरीदकोट तो बिलोंग कर रही हूं। मैं बीबीएस ग्रेजुएट है जी, दशमेश सेंटर कॉलेज फरीदकोट तो ही। 2019 च जदों मैं ग्रेजुएट हो गई सी तां उदों डिसाइड कर लिया सीगा कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाना है। थैंक यू सो मच वेस्टर्न ओवरसीज, मेरा सपना तुसी पूरा कीता है। ओके, जिवें कि इन्हां दी प्रोफाइल सी, इन्हां ने बीडीएस कीती सी 2019 दे विच। उस तो बाद मैम आईएलस दा की स्कोर रहा तुहाडा? मेरा आईएलस स्कोर ओवरऑल 7.5 है जी, नॉट लेस देन 6। और 2019 तो बाद जिहड़ी गैप एक्टिविटी सी ओहदे विच तुसी की शो कीता? ओके जी, 2019 तो बाद जी मैं जॉब कीती है एज अ डेंटल प्रैक्टिशनर अपने ही कॉलेज दे विच, उहनां दा इक सेपरेट क्लिनिक सीगा। ओके, कितना कितने तुहानूं लगदा सी कि हां गैप प्रोफाइल है कि ऑस्ट्रेलिया दा वीजा मेरा निकल जाएगा या नहीं? हाँ जी, थोड़ा जहा डर तो लगता ही सी क्योंकि विच कोविड भी आ गया सी, उहदे करके भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हो गई सीगियां। बट आई रियली होप कि मैनू वेस्टर्न ओवरसीज दे एजेंट्स ने बहुत ज़्यादा वधिया सजेशन दित्तियां है जिहदे नाल मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होया सी। ओके, कमल मैं चाहूँगी कि तुहानूं वेस्टर्न ओवरसीज दा किवें पता लग्गा? ओके जी, जदों मतलब मैं ग्रेजुएट हो गई सी, मैं जॉब भी अपनी छड्ड दी सी कोविड करके, तां मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज सी कि मैं पहले तो कैनेडा जावां कि ऑस्ट्रेलिया जावां। फिर उस तो बाद यह कि एजेंट कितों लवां, क्योंकि आपां सोचते हैं कि भी कई बार एजेंट धोखा दे जाते हैं या कोई पैसे लै जाते हैं, उस तो बाद कोई अराउंड भी नहीं पुछता। फिर मैं बहुत ज़्यादा गूगल पर भी सर्च की, मेरा ब्रदर है उन्हें भी मेरी बहुत हेल्प की, तो उन्हें ऑनलाइन देखा एंड वो भी एक फ्रेंड ने सजेस्ट की कि यू मस्ट गो फॉर वेस्टर्न ओवरसीज। एंड फिर मैं खुद ऑनलाइन सर्च की, थोड़ा डीपली गई तो मुझे पता लगे कि वेस्टर्न ओवरसीज आई कैन ट्रस्ट दिस इंस्टीट्यूट फॉर माई वीजा। सो जो तुम विजिट किया तो की ऑप्शनस मिली और किमें फैसिलिटीज मिली वेस्टर्न ओवरसीज में? ओके जी, वैसे एक्चुअली मैं वेस्टर्न ओवरसीज वाले की कॉन्फ्रेंस हुई सी जी, वर्कशॉप लगी सी मोगा, तो मैं उत्थे गई सी एंड उत्थे मेरी मुलाकात हुई सी वेस्टर्न ओवरसीज के एजेंट्स नाल। तो मैं बिल्कुल भी उन्होंने आई मतलब ओपरा रिपील कराया, ये सारे सारे एजेंट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल सके, काइंड सके, बहुत बढ़िया नेचर इन्हों का, इन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट किया, बहुत ज़्यादा हेल्प की मैं। सब तो पहला मेरे डिसीजन ये लैन ले कि मैं कैनेडा जावा या ऑस्ट्रेलिया जावा, उन्होंने आइडियाज़ मैंने दोनों मतलब कंट्रीज़ के दिते सी, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट कॉलेजेस, बट मैंने लगता है कि इन्होंने मैंने बहुत ज़्यादा वधिया कॉन्फिडेंस मेरा और बूस्ट किया, फोकस किया कि मैं ऑस्ट्रेलिया ही जावा जो कि मेरी ड्रीम कंट्री सी। ओके मैम, जो तुम विजिट किया वेस्टर्न ओवरसीज वालों, तुम कि यूनिवर्सिटी कि प्रोग्राम और कि इंटीग्रेट किया? ओके जी, मैनू मैम ने दस जी फैडरेशन यूनिवर्सिटी, वैसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी सी लाइक डेक्कन यूनिवर्सिटी, टोरंटो यूनिवर्सिटी, मेरे ऑफर लेटर भी सारी यूनिवर्सिटीज तो आ गए थे, मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ जो कि एक्चुअली मैं पब्लिक हेल्थ की फील्ड नाल ही रिलेटेड है, तो मैम ने मैंने दसिया कि यह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वधिया कोर्स रहेगा क्योंकि मास्टर्स डिग्री तो बाद मेरे लिए पीआर लैनी भी बहुत ज़्यादा सौखी हो जानी सी। सो मैं डिसाइड किया कि जो मेरा ऑफर लेटर आया तो आई वेंट फॉर द फैडरेशन यूनिवर्सिटी। ओके मैम, इनटेक किहड़ा तुसीं प्रेफर कीता उस टाइम ते? उस टाइम ते मैम बहुत वधिया इनटेक सीगा जुलाई इनटेक, सो मैं उही सब तो वधिया प्रेफर कीता, सब तो नेड़े सीगा, तो मैम कहिंदे प्रेफरेबल आ। सो तुहाडा जिहड़ा जुलाई इनटेक सीगा, तुसीं उस तो बाद फिर डेफिनेट लै लिया अपने कोर्स रिगार्डिंग? हाँ जी मैम, क्योंकि जुलाई का वीज़ा मेरा आ गया सीगा, बट फिर उस तो बाद मैं डेफिनेट लै लिया बिकॉज फस्ट ऑफ ऑल मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं सी एंड मोर ओवर कोविड रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन करके, पेंडेमिक करके मैंने लग्या कि मैं डेफर करवा ही लवा फेबरवरी लिए अपनी फाइल। जिमें कि हम ऑस्ट्रेलिया वालों काफ़ी गुड न्यूज़ आ रही ने। हाँ जी, बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्रैफर कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, तो हम तुम कदों फ्लाई कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया वास्ते? वैल थैंक यू, मैं बहुत जल्दी फ्लाई कर रही हूँ फेबररी ऑफ 4th ले। थैंक यू सो मच, तो मैं बस कर दी है कि भी मेरे जो सपना है बहुत वधिया तरीके मैं अपनी उत्थे लाइफ स्पेंड करूँगी। लास्ट क्वेश्चन है, तुसी अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स नु कुछ रिकमेंडेशन देना चाहोगे, कुछ मैसेज देना चाहोगे? डेफिनेटली, सब तो मैं सारे नु ये कहूँगी कि मैं अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स नु नोन्स के थैंक के जिन्हें भी सारे हैगे हैं जिन्हें का सपना है कि असी बाहर जाना कैनेडा या ऑस्ट्रेलिया जिते भी, प्लीज़ प्लीज़ मस्ट विजिट वेस्टर्न ओवरसीज, तुसी इन्हां नु जदों मर्जी कॉल कर सकते हो, दे आर एवरी टाइम रेडी फॉर योर हेल्प फॉर द गाइडेंस, सो प्लीज़ मस्ट विजिट करो वेस्टर्न ओवरसीज। एक लास्ट छोटा जहाँ अपना एक वीज़ा थोड़ा अप करके दिखा दो सो दैट सारे व्यूअर्स साडे देख सकन।
Okay, जी, थैंक यू सो मच वेस्टर्न ओवरसीज, आई हैव माय वीजा, थैंक यू। वेस्टर्न ओवरसीज, सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।